हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल थिंकिंग लिटरेचर। इस वीडियो में हम किड्स की हेलेनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे, सो लेट्स जंप इनटू इट। सेली किड्स के बारे में कहते हैं कि किड्स वाज ए ग्रीक। वर्ड्सवर्थ, कॉलेरिज और इवन सेली को हम ग्रीक थिंकर्स नहीं कह सकते जिस तरह से हम जॉन किड्स को कह सकते हैं। किड्स के पास ग्रीक स्पिरिट, लिटरेचर, स्कल्पचर और इंट्रिंजिक टेंडेंसी से आया था और किड्स के उन पोएम्स को बेस्ट माना जाता है जो उन्होंने ग्रीक कल्चर से इन्फ्लुएंस होकर लिखा था। जॉन किड्स जिस तरह ब्यूटी को अप्रिसिएट करते हैं वो उनके ग्रीकनेस को दिखाता है, जो कि ये माना जाता है कि उनमें इनबॉर्न ही थी। किड्स के लिए और ग्रीक्स के लिए सभी आर्ट का केवल एक ही आइडियल होता है और वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ब्यूटी। जॉन किड्स और ग्रीक्स के लिए ब्यूटी कोई फिजिकल, स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल चीज नहीं है, बल्कि ब्यूटी इन सभी का कल्मिनेशन या कॉम्बिनेशन है जो एक पर्सन को ब्यूटीफुल बनाता है। जॉन किड्स जिस तरह नेचर के चीजों को पर्सनिफाई करते हैं उससे भी उनकी ग्रीकनेस का पता चलता है। पर्सनिफाई का मतलब है नॉन ह्यूमन चीजों में ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक या क्वालिटी डाल देना। जॉन किड्स अपने पोएम ओड टू ऑटम में ऑटम को एक डेटी की तरह प्रेजेंट करते हैं जो कि हार्वेस्ट रिलेटेड सभी एक्टिविटीज और लेबर करती है, और किड्स का ये मेंटालिटी पूरी तरह ग्रीक मेंटालिटी से मिलता है। ग्रीक मिथोलॉजी में जो पान है वो भी हाफ ह्यूमन है, और ग्रीक मिथोलॉजी में पान रस्टिक लाइफ, वाइल्ड और सेफर्ट्स का गॉड है, और जो कोई भी जंगल में जाता है वो उसके म्यूजिक सुनता है या उसके हेरी हैंड्स और रिंकल फेस को देखता है। और ठीक उसी तरह किड्स के ओड में भी जो पान है वो भी हाफ ह्यूमन है। जिस तरह वो रिवर में लाउंज या रिलैक्स करता है और मीडोज या घास में चलता है। जॉन किड्स अपने पोएट्री के थीम्स और रेफरेंसेस के लिए ग्रीक आर्ट और लिटरेचर के मुकाबले ग्रीक मिथोलॉजी पर ज्यादा रिलाई करते हैं। किड्स पर ग्रीक इन्फ्लुएंस वर्ड्सवर्थ, ले हंट, एल्जिन मार्बल्स और एलिजाबेथन लिटरेचर पढ़ने से हुई थी, और किड्स ने एल्जिन मार्बल्स के ऊपर एक सोनेट भी लिखा है जिसका नाम है ऑन सीइंग द एल्जिन मार्बल्स। और जॉन किड्स वर्ड्सवर्थ को इसलिए भी ज्यादा एडमायर करते थे क्योंकि उन्होंने उनकी बुक द एक्सकर्सन को पढ़ा था, जिसमें वर्ड्सवर्थ ग्रीक किस तरह नेचर को वर्शिप या पूजते हैं उसे डिस्क्राइब किया है। अगर हम स्पेंसर और मिल्टन की पोएट्री देखें तो इन पोएट्री में क्लासिकल मिथ का बहुत इस्तेमाल किया गया है, लेकिन जब अगस्टन एज आए तब रेशनलिज्म के चलते क्लासिकल मिथ का इस्तेमाल कम किया जाने लगा, लेकिन जब रोमेंटिसिज्म आए तब फिर से नेचर और इमेजिनेशन पर जोर दिया गया और क्लासिकल मिथ का इस्तेमाल किया जाने लगा। हम वर्ड्सवर्थ का क्लासिकल मिथ के लिए लव उनका सोनेट द वर्ल्ड इज टू मच विद अस में देख सकते हैं, और इन सोनेट्स का इन्फ्लुएंस हम किड्स का पोएम स्लीप एंड पोएट्री में देख सकते हैं। जॉन किड्स के पास ग्रीक लिटरेचर का कोई डायरेक्ट यह पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं था। उन्होंने बुक्स एंड ट्रांसलेशंस जैसे लेम्प्रायर्स का क्लासिकल डिक्शनरी और चैपमैन का ट्रांसलेशन ऑफ ह्यूमर आदि पढ़कर ग्रीक क्लासिक्स के बारे में जाना था। किड्स का सोनेट ऑन सीइंग द एल्जिन मार्बल्स में उन्होंने ये डिस्क्राइब किया है कि कैसे ग्रीक स्कल्पचर एल्जिन मार्बल्स उन पर अफेक्ट करती है। जब जॉन किड्स इन एल्जिन मार्बल्स से फेमिलर हुए तब उन्होंने ग्रीक आर्ट की ग्रेटनेस के साथ साथ इनकी ग्रैंडियर, हार्मनी और ब्यूटी के बारे में जाना, और इन ग्रीक आर्ट का इन्फ्लुएंस हम उनके दो ओड्स ऑन इंडोलेंस और ऑन ए ग्रीसियन आर्ट में देख सकते हैं। हालांकि जॉन किड्स ने ग्रीक वर्ल्ड को बहुत डिस्टेंस से एक्सपीरियंस किया, यानी ट्रांसलेशंस और बुक्स के थ्रू एक्सपीरियंस किया, लेकिन उन्होंने इस ग्रीक वर्ल्ड का प्रेजेंटेशन बहुत ऑनेस्टली दिया है। फॉर एग्जाम्पल, किड्स के पास जो नॉलेज था टाइटन्स और ओलंपियंस के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, वो नॉलेज उन्होंने क्लासिकल डिक्शनरीज पढ़कर ही हासिल किया था, लेकिन जिस तरह से किड्स ने हाइपेरियन के सेकेंड बुक में
ओशियनस के स्पीच के थ्रू इस कॉन्फ्लिक्ट को और इसके आउटकम को प्रेजेंट किया है वो बहुत ब्यूटीफुल और पावरफुल है। सो कुछ मायनों में हम ये कह सकते हैं कि किट्स वाज ए ग्रीक। सो वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।